Dear students, Vidya Bharati School welcomes you in your online classes. Dear student of class standard 2, we are going to teach science subject today. Study material of this subject has already been sent to you in Google Classroom application. We hope that you must have understood that chapter. By the way, again, we will try to understand you that topic through this online classes. तो स्टैंडर्ड टू के प्यारे बच्चों, आप आज साइंस में आज आप पहला चैप्टर जिसके बारे में पहले भी आपको भेजा जा चुका है प्लांट अराउंड अस आज पढ़ेंगे. हमारे चारों ओर बहुत सारे पौधे हैं, कुछ छोटे और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, परंतु जो हम देख रहे हैं अपने सामने हमारे आसपास बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, उनमें मुख्यतः पांच प्रकार के पौधों को बांटा गया है. फर्स्ट इज ट्री, सेकंड इज श्रब, थर्ड इज हर, फोर्थ इज क्लाइंबर एंड फिफ्थ इज क्रीपर. पेड़ की आकृति और उसकी बनावट के हिसाब से इसे पांच भागों में बांटा गया. सबसे पहले ट्री यानी वृक्ष, बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बड़े और लंबे पौधों को वृक्ष कहा जाता है. थिक स्टेम कॉल्ड ट्रंक, और इसका तना जो बहुत मोटा होता है उसे ट्रंक के नाम से जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा मैंगो ट्री यानी आम का पेड़, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़, नीम ट्री नीम का पेड़, शीशम ट्री शीशम के पेड़, और भी बहुत सारे पेड़ आपने देखे होंगे. और ये पेड़ है जो जिसका ट्रंक काफी मोटा है और इसकी जड़ें दूर दूर तक जाती हैं पानी की खोज में. जड़ों के द्वारा कोई भी पौधा या पेड़ अपने पानी को प्राप्त और खनिज लवण को प्राप्त करता है और पूरे पौधे को देता है. इस पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और इसका ट्रंक यानी तना बहुत ही मोटा होता है जो जिससे लकड़ी निकाली जा सकती है. आवर सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट इज श्रब. श्रब यानी झाड़ियां. मीडियम साइज प्लांट्स विथ मेनी ब्रांचेज आर कॉल्ड श्रब्स. मध्यम आकार के पौधे जिनमें एक मुख्य तना नहीं होता है बल्कि उसके स्थान पर बहुत सारी डालियां निकली हुई होती हैं, एक ही जगह से बहुत सारी डालियां निकली होती हैं और एक मोटा तना प्रायः नहीं होता यानी ट्रंक नहीं होता, ब्रांचेज बहुत सारी होती हैं और ये मीडियम साइज का होता है, ना ही ट्री की तरह बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा, इन्हें श्रब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन यानी कपास का पेड़, रोज यानी गुलाब का पेड़, हिबिस्कस उरुल का पेड़ और हिना मेहंदी और बहुत सारे ऐसे छोटे मीडियम साइज पेड़ होते हैं जिन्हें श्रब झाड़ी के रूप में जाना जाता है. नाउ नेक्स्ट इज हर. हर में शाकीय पौधे, वेरी स्मॉल ग्रीन प्लांट्स विथ वीक स्टेम आर कॉल्ड हर्स. दे आर सीजनल प्लांट्स. ये तीन या चार महीनों के एक मौसम में उगते हैं और एक मौसम पूरा होते होते ही इनकी जीवन अवधि पूरी हो जाती है, इसलिए इन्हें सीजनल प्लांट कहते हैं. इनका तना बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है, जिसके कारण और ये बहुत ऊंचाई तक नहीं बढ़ पाते, किंतु ये बहुत हरे भरे होते हैं. जैसा कि यहाँ फिगर में आपको एक कोरिएंडर यानी धनिया का पौधा दिखाया गया है, साथ ही यहाँ ग्रास भी दिखाई गई है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास यानी घास, मिंट पुदीना, राइस चावल, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, कोरिएंडर ब्रिंजल इटीसी. ये शाकीय पौधे में मुख्यतः हमारी बहुत सारी सब्जियां और अनाज आते हैं. द फोर्थ टाइप इज क्लाइंबर. क्लाइंबर, क्लाइंब मीन्स उछलना, और जो पेड़ सपोर्ट की सहायता से ऊपर की ओर जाता है उसे क्लाइंबर कहते हैं. वेरी वीक स्टेम, इनके स्टेम बहुत कमजोर होते हैं. टू स्टैंड विथ ए सपोर्ट टू क्लाइंब,
और इन्हें एक सपोर्ट की जरूरत होती है जिससे जिसके सहारे ये वे ऊपर की ओर चढ़ते हैं। और जैसा कि आपने यहाँ फिगर में देखा होगा, यहाँ दो लतरे हैं जो ग्रैप्स यहाँ गुच्छों में लटक रही है। ये ग्रैप्स ऊपर जाकर के क्लाइंब करते हुए ऊपर जाती हैं। इनके जो स्टेम होते हैं बहुत वीक होते हैं और साथ ही साथ इनमें पत्तियां भी होती हैं जो इनके लिए भोजन बनाने का काम करती है। और ऊपर सपोर्ट की सहायता से जब ये ऊपर चढ़ते हैं तब इनमें फ्रूट्स लगते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, ग्रैप वाइन, इडीसी। एंड द फिफ्थ टाइप इज क्रीपर। क्रीपर यानी जमीन पर फैलने वाले लतरने वाले पौधे। हैव वीक स्टेम। क्रीपर के स्टेम भी बहुत वीक होते हैं बट स्प्रेड ऑन ग्राउंड टू ग्रो। किंतु ये जमीन पर ही फैलकर बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ एक पौधा है जो वाटरमेलन का है। उसे वाटरमेलन कई जगह पे है, ये गॉर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, टोमेटो, ग्राउंड, गॉर्ड, इटीसी। यानी कि वाटरमेलन यानी कि तरबूजा, टोमेटो, टमाटर, गॉर्ड, कोहड़ा आदि। इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि हमारे चारों ओर जो पौधे हैं वो मुख्यतः पांच भागों में बांटे जा सकते हैं। फर्स्ट ट्री जो सबसे बिग एंड टॉल प्लांट्स होते हैं, वे बहुत बड़े होते हैं, इनका ट्रंक मोटा होता है। सेकंड सर्व यानी झाड़ी नुमा पौधा जो मीडियम साइज के होते हैं और इनमें ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं। थर्ड यानी हर शाकीय पौधे जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनके तने बहुत कमजोर होते हैं। क्लाइंबर यानी ऊपर की ओर फैलने वाली बेल जिसके तने कमजोर होते हैं और सपोर्ट की सहायता से ये ऊपर जाकर बढ़ते हैं। क्रीपर जमीन पर फैलने वाले लतर जो कमजोर स्टेम होने के कारण ये जमीन पर ही फैल जाते हैं। दस वी फिनिश दिस चैप्टर एंड नाउ योर वर्क इज टू रीड। अब आप इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और अब इसकी सहायता से आप अपने ऑनलाइन क्लासेस गूगल क्लासरूम से इसकी वीडियो देखकर इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर बनाकर सबमिट करेंगे।